द फ्रेमवर्क लेसन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कैमरा इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स की वीडियो अपडेट्स के लिए। हे गाइस, मैं हूं अक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रीमियर प्रो में अगर आप 4K रेजोल्यूशन की वीडियो एडिट करते हो तो आपका सिस्टम जो हैंग करता है, जो मोस्टली करता है, तो उसका कारण क्या है। सबसे पहले तो है कि आपका सिस्टम वो एडिट करने लायक है कि नहीं। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करी जाती है, और अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी अच्छी है लेकिन फिर भी हैंग कर रहा है, तो मैं आपको आज दो टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप उन दो टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका सिस्टम बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा, आप बिल्कुल स्मूथली 4K रेजोल्यूशन की वीडियो एडिट कर पाओगे। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल तो काफ़ी सारे मतलब YouTube वीडियोस भी 4K में आ रही हैं, वेडिंग में भी कई जगह डिमांड करते हैं, लेकिन जैसे ही हम 4K रेजोल्यूशन की वीडियो अपने प्रीमियर में डालते हैं वो हैंग करना शुरू कर देता है। तो अभी उन टिप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन आपके कंप्यूटर की, कम से कम आपका i5 प्रोसेसर होना चाहिए, और i7 हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम रैम की बात करें तो रैम 8GB तो कम से कम होनी चाहिए, 16GB है या उससे ज़्यादा है तो फिर तो कमाल ही है, क्योंकि उसमें फिर सारा जो रेंडरिंग का सारा काम रैम के थ्रू ही होता है। और अगर हम बात करें ग्राफिक कार्ड की तो 4GB ग्राफिक कार्ड कम से कम होना चाहिए। तो आपके पास मान लो i5 जनरेशन है, 16GB रैम है या 8GB रैम है और 4GB ग्राफिक कार्ड है, उसके बावजूद भी अगर आपका हैंग करता है तो उनका सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दो ऐसे टिप्स देने वाला हूं इसमें, जिनको आप यूज़ करके आपकी 4K रेजोल्यूशन की फाइल बिल्कुल आसानी के साथ आप उसमें एडिट कर सकते हो। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। तो गाइस, ये है हमारा Adobe Premiere Pro का इंटरफेस। यहाँ पे मैं रॉ फुटेज इंपोर्ट करता हूँ, मैंने ये पहले से बना के रखा है। तो यहाँ पे मैं 4K रेजोल्यूशन की फाइल इंपोर्ट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे एक साथ में फोल्डर है जिसमें मैंने ये सारी 360 का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसकी 4K रेजोल्यूशन में मैंने वीडियो शूट की थी। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टी में, या जैसे आप डिटेल्स में जाते हो तो ये 4K रेजोल्यूशन की फ़ाइल है। तो इनको मैं अपना प्रीमियर में यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो या आपकी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल एन से आप न्यू सीक्वेंस लेंगे। यहाँ पे मैंने 4K रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर रखा है, 30fps सिलेक्ट कर रखा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 4K डेमो, और उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे ही किसी एक फाइल को मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे पूछता है कि आपको कीप एग्जिस्टिंग रखना है कि चेंज सेटिंग। यहाँ पे मैं चेंज ही करता हूँ, क्योंकि जिस टाइप की मैंने फुटेज ली है उस हिसाब से 4K मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर देता हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ पे 4K डेमो का भी देख सकते हो प्रॉपर्टी में जाके, ये सीक्वेंस सेटिंग का भी आपका 4K रेजोल्यूशन में आ जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे इन फाइल्स को भी यहाँ पे मैं ड्रैग कर लेता हूँ। मैं अभी के लिए 4K रेजोल्यूशन की फ़ाइल अपने कंप्यूटर में स्मूथली चलाने के लिए हमें सबसे पहले इनको प्रॉक्सी में कन्वर्ट करना होता है। प्रॉक्सी में आप सिंगल फुटेज पे भी आप क्लिक करके कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा प्रॉक्सी, और आपको सारी की सारी अगर जितनी भी आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो सबको सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से लेके पहली से लेके आखिरी तक शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे राइट क्लिक जितनी भी आपको करनी है करके प्रॉक्सी क्रिएट प्रॉक्सी कर देंगे। अभी मैं मान लो आपको सिर्फ दो फुटेज का ही करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है हमें प्रॉक्सी में, और प्रॉक्सी में क्रिएट प्रॉक्सी यहाँ पे हमें इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट प्रॉक्सी करोगे तो यहाँ पे H.264 यहाँ पे करेगा, या फिर क्विक टाइम, यहाँ पे दो ऑप्शन है फॉर्मेट के। और यहाँ पे प्रीसेट में आपको 1024x540 और 1280x720 और एक रेजोल्यूशन और मिल जाता है, तो यहाँ पे हम 1280x720 करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें इसको डेस्टिनेशन पाथ देना है कि जो प्रॉक्सी बनेगी वो जो हमने फोल्डर रॉ फुटेज का फोल्डर रखा है उसके साथ में ही बननी चाहिए, या फिर आप अलग से भी कोई आप इसको पाथ दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ओके प्रेस कर देता हूँ। जैसे हम ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे मीडिया एनकोडर एक और सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये एक सपोर्टिव सॉफ्टवेयर है, अडोबी का ही है, इसमें आप आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर की फ़ाइल भी रेंडर कर सकते हो। तो वो मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा, आप यहाँ पे इसकी प्रॉक्सी भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, ये दो फुटेज मैंने सेलेक्ट की थी, इनकी प्रॉक्सी कन्वर्ट होना यहाँ पे शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा भी रहा है, आउटपुट प्रीव्यू, कि ये वाली फाइल आपकी प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो रही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आप
आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर स्पीड कैसी है और रैम कितनी है, ये इन सब बातों पे ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारा काम रैम का है। जो भी ये प्रोसेसिंग होती है, रेंडरिंग होती है, तो वो आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पे है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक बार के लिए, जैसे आपको कुछ फाइल्स पे काम करना है तो आप उनको एक बार प्रॉक्सी में कन्वर्ट करके आप छोड़ सकते हो, उसके बाद आप वापस आके काम कर सकते हो। तो ये थोड़ी देर प्रॉक्सी कन्वर्ट होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये दोनों कंप्लीट हो गई है, अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और हम फोल्डर में जाके देखते हैं। जैसे ये रॉ फोल्डर था, इसके साथ में एक प्रॉक्सीज नाम से फोल्डर बन जाता है। इस पर मैं जैसे ही यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे दो फाइल जो हमने प्रॉक्सी में कन्वर्ट की थी, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, एक सिंगल भी कर सकते हो, जो हमने की थी ये कंप्रेस करके आप साइज़ देख सकते हो, बहुत ही कम साइज़ में यहाँ पे 720 में इन्होंने कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं सिर्फ जो दो फुटेज हैं इनको ही करूँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ दो को ही प्रॉक्सी किया है। तो ये दो फाइल यहाँ पे हैं। अभी प्रॉक्सी यूज़ कैसे करना है, अभी ये बिल्कुल रॉ फाइल है, इसमें मैंने कलर करेक्शन नहीं किया है। एक तो सबसे पहला ऑप्शन यही है, यहाँ पे आप रेजोल्यूशन खुद से सेट कर सकते हो, जब प्रीव्यू करेगा तो यहाँ पे आप 16 तक जा सकते हो, बट इसमें क्वालिटी बहुत कम दिखती है तो उससे उतना आइडिया नहीं हो पाता। तो दूसरा जो मैं बता रहा हूँ प्रॉक्सी, उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस पे, यहाँ पे अगर आपकी प्रॉक्सी दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन है टॉगल प्रॉक्सी, इसको आपको ड्रैग करके इधर लेके आना है और जैसे आप इसको ओके प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका प्रॉक्सी आ जाता है। तो प्रॉक्सी पे यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे काम कर रहे होते हो आप, अगर आपको 4K में काम करना है तो आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो, आप देख सकते हो 4K में जब मैंने किया तो थोड़ा सा अटक रहा है, जैसे आप प्रॉक्सी पे करोगे तो थोड़ी सी कंपेरेटिवली क्वालिटी कम दिखाएगी, ये 720 में कन्वर्ट हो जाता है, बट आपका काम बिल्कुल सही चलेगा। तो गाइस ये है मेरे पास Insta1, तो आप देख सकते हो कि प्रॉक्सी में कन्वर्ट करने से कितना फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर लेना है अपने पूरे प्रोजेक्ट को। जैसे आप इस पे इफेक्ट भी अप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे हैंग करेगा, स्लो प्रोसेस करेगा, लेकिन अगर आप प्रॉक्सी आप सिलेक्ट करके रखोगे तो आपका यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली काम करेगा। तो गाइस सेकंड जो टिप्स है मेरा 4K रेजोल्यूशन की फाइल एडिट करने के लिए, वो है आपका ग्लोबल एफएक्स को म्यूट कर देना है हमें। वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे दोबारा से प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एफएक्स नाम से आपको मिलेगा ग्लोबल एफएक्स म्यूट, इसको ड्रैग करके हम नीचे ले आएंगे और इसको हमें ओके प्रेस करना है। और मान लो इस पे मैं यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं इस पे कलर करेक्शन कर देता हूँ एडजस्टमेंट लेयर लेके, या आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे ही एडजस्टमेंट लेयर लेके यहाँ पे मैं इस पे कलर करेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इस पे कलर करेक्शन करना स्टार्ट करोगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे हैवी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक इफ़ेक्ट और इस पे अप्लाई कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ इससे क्या होता है इफेक्ट से। जैसे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे माई बीन पे मैं स्मूथ करने के लिए VRD नॉइज़ यूज़ करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे जैसे ही अप्लाई किया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया इसने। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको 0.05 में वैल्यू रख देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी अप्लाई हुआ है। और मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, अभी 4K रेजोल्यूशन की फ़ाइल है और ये कितनी हैंग करेगी। तो उसके लिए पहले मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि ये आवाज़ आएगी तो डिस्टर्ब करेगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो प्ले करके देखता हूँ, जैसे ही आप देखिए, ये देखिए ये बिल्कुल अटक के यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 4K रेजोल्यूशन पे मैंने दो इफेक्ट अप्लाई कर दिए, एक कलर करेक्शन कर दिया है, दूसरा यहाँ पे VRD नॉइज़ कर दिया है। इसके सॉल्यूशन के लिए मैं सबसे पहले तो टॉगल प्रॉक्सी को यहाँ पे अनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे FX म्यूट को भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो कलर करेक्शन और जो इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो सब हट जाएंगे। यहाँ पे जो भी हमारा प्रीमियर में प्रोजेक्ट होता है उस पे हमें पूरे पे आप जो भी इफेक्ट अप्लाई करते हो सब पे मैन्युअली जाके इफेक्ट हटाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे FX को म्यूट कर दोगे, जितने भी थर्ड पार्टी प्लगइन आपने यूज़ किए हैं या कोई इफेक्ट यूज़ किया है वो सब ऑफ हो जाएंगे। आपको सिर्फ प्रीव्यू करके देखना है। अभी मैं जैसे इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये काफ़ी हद तक स्मूथली काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आप 4K रेजोल्यूशन में बिल्कुल काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको प्रॉक्सी अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो तो उससे आपकी फ़ाइल 720 में यहाँ पे प्रीव्यू करेगी। और दूसरा, आपको कोई भी कलर करेक्शन करनी है वो करने के बाद आप यहाँ पे FX कर दो, क्या होगा कि कलर करेक्शन करने के बाद आप रेंडर निकाल के देख सकते हो आपको, अगर आपको पूरी कलर करेक्शन के साथ देखना है, बट आप यहाँ पे कलर करेक्शन अप्लाई करने के बाद, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कलर करेक्शन अप्लाई है, लेकिन कलर करेक्शन भी और ये दूसरा यहाँ पे VR इफेक्ट भी अप्लाई है,
यहाँ पे आप इसको अगर म्यूट कर दोगे तो आपका यहाँ पे प्रीव्यू बहुत अच्छे से होगा। तो ये दो टिप्स आपकी 4K रेजोल्यूशन की फाइल को एडिट करने में बहुत काम आने वाली है। तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए बस आपको मीडिया एनकोडर आपको इंस्टॉल करना है और दूसरा यहाँ पे आपको प्रॉक्सी और एफएक्स को यहाँ पे आपको लेके आना है। तो गाइस ये दो स्टेप आप फॉलो करके आराम से अपनी वीडियो एडिट कर सकते हो। उसके बाद आप फाइनल जब करोगे, रेंडर आउट करोगे, तो आप प्रॉक्सी को हटा सकते हो और एफएक्स को भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप रेंडर लगा सकते हो आराम से और आपका बिल्कुल उसमें जितना टाइम लगेगा लगेगा, लेकिन एडिटिंग के टाइम पे आपका टाइम कम लगेगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन है इस वीडियो को लेकर या किसी भी वीडियो को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड और कैमरा से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ।